एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त ओम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ओम मालविया ब्लॉग्स। गाइस, आज हम लोग जाने वाले हैं मेट्रो सुपरमार्केट और वहां पर जाकर मैं आपको इंडिया के कंपैरिजन में यहां का फूड कितना एक्सपेंसिव है या कितना चीप है कंपैरिजन करेंगे। शूटिंग करना वो उन लोगों ने मना करा है, तो मेरे से जितने टेक में ले पाऊंगा वो उतने में लूंगा, और बाकी जो सब सारा सामान वहाँ से हम लेंगे, थोड़ा नाश्ता भी लेना है, स्पेशली वेजिटेरियन के लिए क्या क्या हमें लेना है तो वो मैं दिखाऊंगा। वो मैं वहाँ से आकर मेरी हॉस्टल में फिर से पहुँच जाऊंगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते अब डायरेक्ट अभी मॉल। तो फाइनली गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं आईटी पार्क और यहाँ पर हम जाने वाले हैं मेट्रो सुपरमार्केट, और मैं आपको थोड़ी सी वहाँ पर मेट्रो मार्केट में चीज़ें दिखाऊंगा कि इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ की जो खाने पीने की चीज़ें वो कितनी एक्सपेंसिव है या फिर कितनी चीप है। तो यहाँ पर ये है, देखिए आप ऊपर देख रहे होंगे कि मेट्रो सुपरमार्केट, और यहीं से हम सामने से इधर आए थे। तो डायरेक्ट अंदर एंटर होते ही हमें इधर एक स्टॉल दिख गया है। यहाँ पर आपको मास्क लेने हैं या रिंग लाइट लेनी है, ट्राइपॉड लेने हैं या कैप लेनी है, लड़कियों के लिए पर्स लेना है, तो वो सब इधर मिल जाएगा। और हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि पहले हम लोग थोड़ा ये घूम लेते और बाद में वहाँ पर हम जाएंगे सुपर मार्केट में। तो गाइस, इस मॉल में ये एक बात मैंने देखी कि यहाँ पर जो बाहर लोग स्टॉल लगाते हैं, इधर मैंने आपको एक वीडियो डाल दिया होगा, अगर लड़कियों को सैंडल या चप्पल के अच्छा कुछ लेना हो तो सस्ते में पड़ता है, अराउंड प्यारी समझ गई 350-450 पैसों में आ जाता है। तो ये बात भी ठीक है। अयुक भाई, इसकी क्या प्राइस है? 4,500, मतलब कि इसके हुए अराउंड 8,000 रुपीज़। और ये हमारे वहाँ पर डायरेक्ट ऐसी फर्स्ट कॉपी मिल जाती है अराउंड 2,000 रुपये में। तो आपका क्या कहना है, ओरिजिनल लेना चाहिए या फर्स्ट कॉपी लेनी चाहिए? ओरिजिनल। हाँ भाई, ये इस वाले शूज़ की प्राइस क्या है? 9,000 पैसो। तो इससे अच्छा तो वो फर्स्ट कॉपी वाले ले लेते, वो अच्छा नहीं रहता? वो भी है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे भाई। ये ले, दिखा दो। युग भाई ने इधर से एक अपने लिए गूगल्स ले लिए हैं, और ये गूगल्स की खास बात, मतलब कि ये वाली कंपनी की खास बात ये, हाँ मौज हाँ, अपने युग भाई लग रहे एक नंबर हीरो। तो इस गूगल्स की खास बात ये है कि लाइफ टाइम वारंटी है। प्राइस मैं आपको इधर नहीं बोलूंगा, आप जब फिलीपींस आते हैं तब आप इधर विजिट कर लेना। तो गाइज, ये है डाइसो जापान। इधर आप होम अप्लाइंसिस के लिए कुछ चीज़ें लेनी हो तो इधर आपको मिल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, फॉर एन एग्जांपल ये है सभी सैनिटाइज़र, 70% इथाइल अल्कोहल, मास्क लेने हैं और या बैग लेनी हो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है वेसलिन लिप केयर, इधर मिलता है 148 पैसों में, अराउंड 180-190 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में हुआ। तो ये है इलेक्ट्रिक स्टोव के लिए, ये पैन है, इसमें हमें कुछ मैगी बननी हो या फिर कुछ फ्राई करना हो तो उसके लिए भी है। इसकी प्राइस है 148, इसकी भी 148, बड़ा वाला है, ये थोड़ा छोटा वाला है। ये एक डब्बा भी 88 पैसों का है, तो ये थोड़ा वर्थ नहीं है 88 पैसों देना इसका। तो भाई ये क्या है? लॉन्ड्री बैग है। तो ये इसकी प्राइस क्या है? 148 पैसों। तो ये कुछ इस तरीके से दिखती है, आपके जो धोने के कपड़े हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं मेट्रो मॉल के सुपर मार्केट में। ये फ्रूट डिपार्टमेंट, ये है अपना लेमन, नींबू बोलते हैं, इधर की प्राइस है 160 पर केजी, 210 आई थिंक रहते हैं, इतना होता है, तो 210 के किलो पर। हाँ, नींबू की साइज बहुत बड़ी है, पर जो हमारे वहाँ के वो देसी बोलते हैं ना खट्टे, वो इतना नहीं होता। आगे चलिए, ये है एप्पल 120 पर केजी, और ये है फूजी एप्पल, इसकी प्राइस है 180 पर केजी। ये साइज में थोड़ा डिफरेंस है, ये है थोड़े बड़े और ये है थोड़े छोटे।
चलो अब इस तरफ चलते हैं। तो ये है ग्रेप्स, अंगूर बोलते हैं ना, अंगूर खट्टे हैं पर ये मीठे हैं, पर इसकी प्राइस भी उतनी ही मीठी है। इसकी प्राइस है 380 पेसो, तो हमारे में इंडिया इंडिया के रुपीस में होता है ये इतने 573। देखिए कभी इतने महंगे अंगूर, इमली खट्टी वाली, खट्टी खट्टी इमली बोलते ना, तो इसकी प्राइस है 215। तो 215 इंटू 1.51 करता है 324 पर केजी, और हमारे वहाँ ये अराउंड मिलता है 30 या 40 रुपए में, तो इतना महंगा मिलता है इधर। ये है कीवी, हमारे वहाँ एक एक कीवी का पीस होता है वो 30 रुपीज में मिलता है, पर इधर है 650 पर केजी। तो आपको मैं प्राइस दिखाता हूँ, 981 इस कीवी का। ओ माई गॉड, इतना महंगा। अब तक तो ये था फ्रूट डिपार्टमेंट, अब चलते हैं वेजिटेबल डिपार्टमेंट। तो इधर ये हमारे पास है, ये गोभी बोलते हैं हमारे, युग भाई ने मुझे दिया है, ये है कॉलीफ्लावर, तो इसकी प्राइस है 255 पर केजी, 385। देखिए 385, और इतने से मिलनी है। हमारे मम्मी वो वहाँ से बोल के ना मार्केट से लाते अराउंड 30-40 रुपीज पर केजी, और इधर का है 385। और ये गोभी, गोभी की प्राइस है 390, हाँ पर केजी 390 पर केजी है 679। ये हमें ये हजम ही नहीं होगा। बस ये देखते हैं, ये टमाटर 573 पर केजी, रेड मिर्च ये, हाँ ओके, ये लाल मिर्च वो तीखी वाली, सबसे ज्यादा तीखी वाली, इसकी भी 450 747 प्राइस है। ये सोना है भाई, ये सोना है इधर, तो ये सोने के दम में ये सब बिक रहा है। अब देखते हैं कोथमीर वो हमारा धनिया, मैं आपको बता दूं, हमने जब हम फ्रेंड लोग प्रोग्राम करते हैं ना, तो ये 30 रुपए पर केजी मिलती है, 30 या 40 रुपए। इधर की प्राइस है 850 पेसो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। धनिया धनिया इतना, ओ माय गॉड, ये आप कुछ बोलना ही नहीं आप मुझे ये। तो आप गाइस इंडिया की कदर करो, उधर वेजिटेबल इतना सस्ता है, इधर आके हमें पता चला कि इतना महंगा इधर होता ना बोलता ना हमारे, तो इसकी इसमें फेंक ही है ही नहीं, देख तो भाई इसके अंदर ही खाली खाली ऐसा लग रहा है। और इसकी प्राइस है 340 पर केजी, ओ माय गॉड, अराउंड 550 रुपए इंडिया के, बहुत ही महंगा भाई, टू एक्सपेंसिव ईयर। ये सुनना बैंगन, ये इसकी प्राइस है 180 पर केजी, ओ माय गॉड, 50 रुपए हमें मम्मी लेती है भाई। ये 1 लीटर का मिल्क है, और इधर वो डायरेक्ट बोलते ना, हमें जो तंबेले से वो दूध लाते ना वो इधर नहीं मिलता, इधर पैकिंग में मिलता है। और इसकी इतनी ज्यादा प्राइस है कि मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इधर खुद आकर देख लीजिए। ग्रेप्स वो उसे साफ कर बिगड़ गई है, और वो ही वो पैकेट में फिर से डाल दे रहे हैं, तो आप एक बार देख लीजिए। हमारी गुजराती की सबसे स्पेशल आइटम डूंगड़ी बटाटा, ये है बटाटा और ये है ऑनियन, तो ये क्या है 135 एक पीस का, 135 पेसो, और अराउंड होते हैं 160 या 170 रुपीज, ओ माय गॉड। और ये भाई ये बिगड़ी हुई, ये बिगड़ी हुई है या पता नहीं चल रहा है, इसकी प्राइस देखिए आप 170 मतलब 250 रुपए हुए है, 230 रुपीज, ओ माय गॉड, मैं 20 रुपए में किलो लाता हूँ इंडिया में, और इससे तो 10 गुना ज्यादा अच्छी ओवरेज। ये थोड़ी बूढ़ी हो गई है, ये इसमें कुछ टेस्ट नहीं होता ये वाली ओनियन में, और इसकी प्राइस है 190, इसकी प्राइस है 150, ये 1, 2, 3, 4, 5 पीस की 150 भाई, ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। अब आते हैं अपने जिंजर पर, ये थोड़ा इतना है 125, कन्वर्ट तो कर, अब कन्वर्ट क्या करें, आप लोग कन्वर्ट कर लीजिए, 1.51 लगा लीजिए, 125 पेसो है। पहली बार नेस्ले की आइसक्रीम देखी है भाई इधर, ये है कॉफी डिपार्टमेंट, और हम लोग तो ये वाली कॉफी पीते हैं, इसमें खाली हमें कप में हॉट वाटर डालना है और एक पैक डाल देना है, तो कॉफी हमारी तैयार हो जाती है।
गाइस फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई है, हमने ये थोड़ा नाश्ता लिया, हर्ष भाई ने भी इतना नाश्ता लिया है कि इधर हमें सूट करना नहीं दिया। सभी की सभी चीज़ है तो ये इन लोगों का पता नहीं अब क्या है, पर थोड़ा जितना हमने सूट करा उतना आपको दिखा दिया। ये ब्रो फर्स्ट टाइम इन द बस? नो सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम गए थे सी साइड। हाँ आप आ जाओ युग भाई। ओ ये ब्रो गाइस अयला मॉल के सेंट्रल ब्लॉक है ना, उसके सामने ही एग्जैक्टली आपको बस स्टेशन मिल जाएगा और वहाँ बस अवेलेबल है और उसके बाजू में भी जीपनी भी अवेलेबल है। तो बस का मैं वहाँ पूछना होगा कि तलमबंद तक हमें जाना है तो मिल जाएगी बस, तो वहाँ हमें तो मिल गई है बस। और अभी हम जाएंगे हॉस्टल और बाद में मिलते हॉस्टल जाकर। सुपर मार्केट हम गए थे तो वहाँ से कुछ हमने इतना सारा लिया है, एक बार देखा था वहाँ पर हमें गए थोड़ा शूटिंग करने का मना बोला क्योंकि पता नहीं वो दिक्कत कर रहे थे। मैं जैसे ही शॉट ले रहा था तो ऐसे आ जा रहे थे कि ये शूटिंग करना प्रोहिबिटेड है यार इधर, तो कोई बात नहीं मैंने सोचा आप लोगों को हॉस्टल जाकर दिखा दूंगा। और बारिश चालू हो गई थी तो मैंने डायरेक्ट आकर पहले थोड़ा टी शर्ट वी शर्ट चेंज करा तो हमने कुछ ऐसा लिया। ये फुल्ली वेजिटेरियन लोग हैं ना उन लोगों के लिए, क्योंकि हम जो कुछ भी ले रहे थे वो पूरा इंग्रेडिएंट चेक कर मैं ले रहा था क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो ये लिया है कुछ नाचो किंग करके, इसकी प्राइस भी यदि चीप है 40 या 50 पैसों में है। और ये खास करके हमारे वेजिटेरियन लोगों के लिए डिंगडोंग मतलब भगवान मिल गया, क्योंकि ये मिक्स नट है और खाने में बहुत ही मज़ा आता है। और ये पिटा बिस्किट कॉफ़ी के साथ हमने कॉफ़ी ये ली है, ये ऐसी वाली मैं हम लोगों ने सुबह है ना वो खाली कप में डाल देनी है और एक पैकेट पूरा डाल देना है और थोड़ा हॉट वाटर के साथ मिलाकर पी जानी है। उसके साथ ये पीटा बिस्किट बहुत अच्छा लगता है। और ये तो ये माधव नमकीन है, ये मैं इंडिया से लाया था तो ये तो इसका तो टेस्ट ही अलग है, वहाँ पर वाह। और ये है स्काई फ्लेक्स करके, इसमें दो फ्लेवर लिए हमने, ये प्योर वेजिटेरियन है। पर अगर एक कौन सा भाई वो विमल कौन सा था, रिबिस्को था ना, तो वो नॉन वेजिटेरियन था। भूल से मैंने एक बार वो खा लिया था, मुझे पता नहीं इंग्रेडिएंट देखा, बाद में मैंने इंग्रेडिएंट देख कर ही मैं लेता हूँ। तो इसमें चीज़ वाले लिए और ये सिंपल वाले। और ये काल चीज़ी, ये एक बोलते ना वो बिस्किट वेफर टाइप है, तो ये भी मज़ा आता है, हमने इसके पहले खाया था। और ये वेजिटेरियन लोगों के लिए किमची करके नूडल्स आती है, ये भी फुल्ली वेजिटेरियन है तो ये ली है। और ये फ्रेश जूस, ये एप्पल फ्लेवर, ये ऑरेंज फ्लेवर। तो इतना ही सब कुछ था। और हाँ ये एक बोलना भूल गया था, ये भी एक लिया, इसमें बस इतना ही है। और ये अभी गाइस एक नंबर बारिश हो रही है और मौसम एक नंबर सुहाना हो गया है। तो क्या बोलना चाहोगे विमल भाई? विमल तो आया नहीं था, पता नहीं है दुखी आत्मा हो गया है, हमारे साथ आया नहीं था आज। अभी हम लोग बनाने वाले हैं ये किमची नूडल्स, खाना तो हमारा आ गया है बट हम ये भी साथ में नूडल्स बनाकर खाने वाले थे, देखते हैं। तो पहले तो हम डालेंगे पानी, हमारी जो नेस्ले की होती है ना वैसी नहीं है, थोड़ी ये है गोल ठीक वाली है और गोल है। अभी एक डालते हैं, देखते हैं कि कैसी बनती है। तो गाइस ये मैगी दिखने में तो कुछ ऐसी लग रही है, थोड़ा रेड लग रहा है और ये सिरप जैसी अरोमा आ रही है इसकी, देखते हैं कि टेस्ट में कैसा है। गाइस आज खाने में है चाइनीज फूड, ये है हक्का नूडल्स, ये है मंचूरियन और ये है सूप। तो गाइस इधर हमारा चल रहा है खाना, इधर अपने विमल भाई बैठे हैं, ये अपना अच्छा बैठने का जुगाड़ कर रहे हैं। तो अर्ज भाई टेस्ट करके बताओ खाना कैसा है। आज खाने में है चाइनीज फूड है, बढ़िया है। विमल को डर था तो ये मोली मैगी। ये गाइस ये मैगी और ये अक्का नूडल्स, ये दोनों मिक्स कर खा रहा है, देखिए उंधिया बनाकर खा रहा है। ये जायका ही अलग है किसका? ये जो दोनों मिक्स करके हम खाते हैं ना, वो भाई मेरे तो भाषा में ना बोला ना तो वो है ना ये। तो बस गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं करा है तो लाइक करें अनफॉलो करें।
इसमें बोलो नहीं आता है ब्रो, इसमें सब्सक्राइब आता है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।